सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद पद्मावती पर नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने फिल्म पद्मावती को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को धमकी देते हुए कहा कि पद्मावती पर रोक लगाई जाए, नहीं तो हम वो करेंगे जो इतिहास में याद किया जाएगा। फिल्म पद्मावती पर विवाद अब इस हद तक बढ़ गया है कि नेता सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी खुद को राय देने से नहीं रोक पा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने फिल्म पद्मावती पर रोक लगाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार को धमकी तक दे डाली है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ये फिल्म रिलीज की जाए, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, हम इसे रिलीज नहीं होने दे सकते। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। कुछ मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से क्लियर नहीं हुई है, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग उस पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि CBFC की ओर से क्लियरेंस मिलने से पहले वह सुनिश्चित करे कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की तरफ से ऐसे बयान न आए। तो आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी जहां प्रवीण तोगड़िया ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है, तो वहीं डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने संसदीय कमेटी के सामने फिल्म को रिलीज करने को लेकर अपना पक्ष रखा। भंसाली ने कहा कि फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। लिव लाइफ की रिपोर्ट।